तो गाइस बहुत दुखद भरी खबर आ चुकी है। पूनम पांडे की मृत्यु हो चुकी है। उनको मेरी तरफ से भावपूर्व श्रद्धांजलि दी जाती है। सत सत नमन। 24 घंटे के बाद में फॉर दोज हू ऑल हू थिंक आई एम बीइंग इनसेंसिटिव आई'ड लाइक टू टेल यू गाइस माय मदर सफर्ड कैंसर। शी हैड थ्रोट कैंसर एंड आई हैव सीन दिस इन माय हाउस हाउ बैड इट गेट्स। Here I was just promoting something. बड़ी खतरनाक औरत है, ये तो जिंदा बैठी है और पोस्ट में लिखती है कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है पर ये तो जिंदा बैठी है। अरे ये तो अंडरटेकर से भी खतरनाक है बाबा। जो जो मैंने बोला है सब वो सब मैं वापस लेता हूँ। श्रद्धांजलि वृद्धांजलि गई तेल लेने के लिए ये तो जिंदा बैठी है। इंस्टाग्राम पर आज सिंपति ले रही है और कुछ फॉलोवर के लिए कुछ भी बोल देते हैं, अपने आप को मार देते हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। भगवान के पास जाने के बाद में कुछ नहीं होगा इस फेम का। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। अरे ये सेलिब्रिटी हैं तो क्रिमिनेटी और ट्रिकेड इंसान तो कबड्डी वाले हैं, क्यों सही बोल रहा हूँ मैं? पुराना लोहा टीना प्लास्टिक जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फूटल बिचारी थ्रेसर ट्रैक्टर टाली ट्रक जीप मारुति कार का। इंस्टा खोलो तो पूनम पांडे की मृत्यु, यूट्यूब खोलो पूनम पांडे की मृत्यु, फेसबुक खोलो पूनम पांडे की मृत्यु, चारों तरफ एक ही न्यूज चल रही है पूनम पांडे की मृत्यु। और चौथे दिन 24 घंटे के बाद में पूनम पांडे तो जिंदा है। ये तो सिर्फ ऐसे ड्रामा कर रही है और सिंपति मांग रही है आके। यार पूनम बहन की पकौड़ी, तूने तो हमारी जान ले ली। तू पागल है क्या पूनम पांडे? तू पागल है क्या? तू ऐसे वीडियो, ऐसा कौन पब्लिसिटी स्टंट करता है मरने का? पूनम पांडे करती है राखी महम। यार तू मीडिया वालों से खेली, तेरे फैंस लोगों से खेली, तू मेरे दिल से खेली। तो गाइस हम किसी को मरने के बाद श्रद्धांजलि देते हैं पर ये तो पूनम पांडे जिंदा रहकर अपने आप को लोगों से कह रही है मुझे श्रद्धांजलि दो। ये कौन सा पब्लिक स्टंट है? ये तो मुझे तो पागलपन लग रहा है। और इसको तो ये तो सबको मजबूर कर रही है कि आओ मुझे गाली दो कमेंट बॉक्स में और मुझे ट्रोल करो।